हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम वापस आ चुके हैं एक और ईडीएम बैंगर ट्रैक के साथ। तो सबसे पहले आप इसका प्रीव्यू सुनिए। कैसी लगी? आगे स्वाद। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका fstudio.exe कभी क्रैश ना हो और आप गुस्से में अपना पीसी तोड़ ना दे, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें और इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, ताकि मैं भगवान को प्रार्थना करूं कि आपका fstudio कभी भी क्रैश ना हो। तो अब चलिए बिना किसी भेदभाव के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट या फिर ये जो सॉन्ग रिमिक्स किया है वो कैसे किया है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैं आपको एकदम डीकंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा मेरे इस प्रोजेक्ट को, जिससे कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए कि आप किस तरह से फ्यूचर बेस जॉनर को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्ड प्रोग्रेशन के ऊपर, कि मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन किस तरह से बनाया है। तो ये है हमारा पियानो कोर्स, ये हमारा कोर्स कॉर्ड प्रोग्रेशन है ये हमारा। तो इसे सुन लेते हैं ये कैसा साउंड कर रहा है। ठीक है, तो गाइस ये है हमारा सॉन्ग का मेन कॉर्ड प्रोग्रेशन। इसी के बेसिस पे हमने लीड्स, ड्रॉप कॉर्ड्स ये सब डिज़ाइन किया है। तो हमारा जो बेसिक जो बेस स्ट्रक्चर होता है कॉर्ड प्रोग्रेशन का, हमारा ये है। ठीक है, तो हम अब पहले चलते हैं इंट्रो की तरफ। इंट्रो तो नहीं है, वर्स से ही स्टार्ट हुआ है सॉन्ग, तो हम पहले वो सुन लेते हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो गाइस सिंपली हमारा यहाँ पे जो मेन कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो प्ले हो रहा है और नीचे एक स्नैप यूज हुआ है, वो कुछ इस तरह से साउंड कर रहा है। और एक पैड साउंड को ऐड किया गया है और एक स्ट्रिंग्स को मैंने रेंडर आउट करके उसको भी ऐड किया है। तो ये साथ में कुछ इस तरह से साउंड करते हैं। और मैंने एक प्लक का कॉर्ड, मतलब कॉर्ड प्रोग्रेशन जो है हमारा, जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है उसको यूज करके मैंने एक प्लक टाइप का पैटर्न क्रिएट किया है जो कि इस तरह से साउंड कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जो कॉर्ड प्रोग्रेशन में जो हाई फ्रीक्वेंसीज जो डाउन है वो उन सबको बूस्ट अप कर रहा है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसीज जो है उनको वो मेंटेन कर रहा है। और सिंपली हमने एक सब बेस ऐड किया है, जो भी कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने यूज किया है उन सभी का जो बेस नोट्स हैं उन सभी को ऐड करके ये बेस लाइन क्रिएट किया गया है। और एक प्लग साउंड जो आरपीजीओ टाइप का साउंड होता है वो उस टाइप का एक साउंड दिया गया है, तो वो कुछ इस तरह से साउंड कर रहा है। तो हम सुनते हैं अभी विदाउट वोकल्स ये वर्ड्स कैसा साउंड कर रहा है अभी। तो यह हो गया हमारा वर्ड्स सेक्शन। अब हम चलते हैं बिल्डअप की तरफ। तो बिल्डअप में हमने सिंपली वही सारे इंस्ट्रूमेंट्स एलिमेंट्स यूज किए हैं
सिर्फ ऐड किया है किक को, जो कि 4x4 पैटर्न में जाके बिल्डअप टाइप का बूस्ट दे रहा है। वो कुछ इस तरह से साउंड कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से साउंड कर रहा है। और नीचे हमने एक लूप ऐड किया है। और इसके साथ हमने एक सिंथ का अपलिफ्टर भी ऐड किया है। और नीचे मैंने क्या किया है कि जो ड्रॉप्स के कॉर्ड प्रोग्रेशन है, मैंने उन सब का जो लो एंड है उसको कट कर लिया है, और उसी का ऑटोमेशन क्रिएट करके एक इफेक्ट क्रिएट किया है। आप सुन सकते हैं यहाँ पे। ये था हमारा बिल्डअप का सेक्शन, और इसको हम सुन लेते हैं ये कैसा साउंड कर रहा है अभी। और मैंने फिलर्स यूज किया है कुछ इस तरह का, मैं आपको सुना देता हूं अभी। और एक बेस का स्वीप अप ऐड किया है, ये कुछ इस तरह से साउंड करते हैं साथ में। तो ये हमारा फिलर है। और गाइज अब हम चलते हैं ड्रॉप सेक्शन की तरफ, ठीक है गाइज। तो ड्रॉप में हमारा जो मेन रिदम है वो कुछ इस तरह से है। अब हम इनमें जो छोटे छोटे पर्कशन एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड करके सुनते हैं कि हमारा ड्रॉप कैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉप का जो मेन रिदम सेक्शन है वो ये कुछ इस तरह से साउंड करता है। अब हम चलते हैं ड्रॉप के कोड्स के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो ड्रॉप का कोड प्रोग्रेशन है वो कुछ इस तरह से साउंड करता है। ये सिंपली गाइस जो हमारा मेन कोड प्रोग्रेशन है उसी को ही यूज करके बनाया गया है, और कुछ लेयरिंग ऐड किया है जिससे कि वो थोड़ा फुल साउंड करे, ठीक है। और कुछ ऑटोमेशंस क्रिएट किया गया है ताकि वो कुछ और ज़्यादा यूनिक साउंड करे। तो वो कुछ इस तरह से ऑटोमेशन के साथ साउंड करता है। गाइस ये था बेसिकली हमारा ड्रॉप सेक्शन। अब हम सुन लेते हैं ये पूरा कैसे साउंड कर रहा है, ठीक है गाइस।
तो गाइस मैं आशा करता हूं कि मेरे इस डीकंस्ट्रक्ट वीडियो से आप सभी को कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप किस टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल्स चाहते हैं कि मैं आपको बना के दिखाऊं कि कौन सा जॉनर हो गया या फिर कोई इफेक्ट हो गया, कोई साउंड हो गया, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ भी डाउट है आपको FL स्टूडियो के अंदर या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन के रिलेटेड, तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं उन सब टॉपिक के ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाऊँगा और सारे जो मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं सारे जॉनर्स को, मतलब फ्यूचर बेस, बिग रूम या फिर प्रोग्रेसिव हाउस, ये सारे जॉनर के ऊपर सेपरेट ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा कि हम उस सब को कैसे भी, मतलब किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।